हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल माय होम एंड किचन टिप्स। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद एक बेल आइकन आएगा उसे भी प्रेस करना है, जिससे नए वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हम में से हर होम मेकर को अक्सर सुई धागे की ज़रूरत पड़ती रहती है, या तो बटन लगाना हो या फिर कटे फटे कपड़ों को रिपेयर करना हो, किसी न किसी रूप में हम सुई धागे का यूज करते ही हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ तीन ट्रिक्स शेयर करने जा रही हूँ, सुई धागे से रिलेटेड हैं, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल हो सकती हैं। पहली ट्रिक मैं आपको बताने जा रही हूँ कि किसी भी कपड़े की सिलाई निकल जाए, उधड़ जाए, तो आप उसे सुई धागे की मदद से किस तरीके से स्टिच कर सकते हैं, बिल्कुल सिलाई मशीन की तरह, उतनी ही मजबूती और उतनी ही फिनिशिंग के साथ। इसके बाद और भी ज़्यादा मज़ेदार और यूजफुल ट्रिक्स मैं बताऊंगी आपको वीडियो के एंड में, तो आप ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हो सकता है। सुई धागे का इस्तेमाल करके सिलाई मशीन जैसी सिलाई कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हमने ये जीन्स ली है और इस तरह से यहाँ पर सिलाई लगानी है। तो जो सिलाई मशीन से सिलाई हो रखी है, उस धागे को आप खींच दीजिए और इस तरह से आपने नीडल को डालना है अंदर की तरफ से। ये देखिए, डबल लेयर धागा मैं यूज़ कर रही हूँ, उसमें नॉट लगा लिया मैंने धागे में और इस तरह से हमारा थ्रेड बाहर आ जाता है। और इसके बाद इस तरीके से हम स्टिचेस लगाएंगे। कपड़े को थोड़ा सा पैर से दबा लें ताकि ये थोड़ा सा टाइट हो जाए इस तरीके से, और पास पास आपने इस तरीके से टाँके लगाने हैं। ये देखिए, नीडल को अंदर डाला और उसी साइड से बाहर निकाल दिया, बिल्कुल पास से अंदर डाला नीडल को, बाहर निकाल लिया, दूसरी साइड में भी अंदर डाला नीडल को, बिल्कुल पास से बाहर निकालना है और यही प्रोसेस रिपीट करना है हमें। अब ध्यान से देखिए, बहुत ही सिंपल सा तरीका है, बस थोड़ा सा समझने की बात है। और हमने यहाँ पर पैंट को उल्टा नहीं किया है, सीधी साइड से ही रखा है हमने इसे। ये देखिए, जो लाइन बनी हुई है वहाँ से दूसरी साइड लेके गए नीडल को और निकाल लिया। अब हम दूसरी साइड लेकर आएंगे इसे और बिल्कुल पास से निकाल लिया। इस तरीके से हम नीचे की तरफ लेकर जाएंगे इसे। ये देखिए इस तरीके से, और आप देख रहे होंगे थ्रेड्स एक सीढ़ी की तरह दिख रहे हैं, लैडर की तरह, तो इसे हम लैडर स्टिचेस ही बोलते हैं। इसे हम एक साथ ही टाइट करेंगे, इससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। ये देखिए, कम से कम 1 से 1.5 इंच हो जाए उसके बाद हमने थ्रेड को इस तरीके से खींचना है। ये देखिए, ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है कि कहाँ हमने सुई धागे से सिलाई की है और कहाँ हमने मशीन से सिलाई की है। बिल्कुल सेम फिनिशिंग आई है और उतनी ही मजबूती भी है, ये देख सकते हैं आप। इसी तरीके से मैं पूरी जो सिलाई निकली हुई है उसको स्टिच कर लूँगी। और मैंने यहाँ पर डिफरेंट कलर का धागा यूज किया है ताकि आपको पता चल सके कि किस तरह से मैं इसमें टाँके लगा रही हूँ। अगर मैं सेम कलर का धागा यूज करती तो आपको पता नहीं चलता, बट आपने कपड़े का मैचिंग धागा ही यूज करना है तो उससे बहुत ज़्यादा फिनिशिंग आएगी और बिल्कुल भी पता नहीं चल सकता कि आपने सिलाई मशीन से सिलाई की है या फिर सुई धागे से। ये देखिए, ये देखिए, मैं पूरा इसको स्टिच करके आपको दिखा देती हूँ, बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है, बहुत ही फिनिशिंग के साथ स्टिचिंग कम्प्लीट हो गई है। इस तरह के सेम स्टिचेस का यूज कर सकते हैं हम लोग। इस तरह के सॉफ्ट टॉय बनाने के लिए कुशन या फिर तकिए बनाते हैं तो साइड में हमने थोड़ा सा स्पेस छोड़ना पड़ता है, जिससे हम तकिए के अंदर कॉटन डाल सकें और उसके बाद हमें स्टिच करना पड़ता है। तो इसी तरीके के टांके अगर हम लगाएंगे तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ आप तकिए को सिल सकते हैं, कुशन को सिल सकते हैं। मैं आपको इसे सिलकर दिखा देती हूँ। इस तरीके से नीडल डाल दी है इसके अंदर और इसके बाद जो साइड में कपड़े हैं उसको अंदर की तरफ हल्का सा मोड़ते हुए हमने सेम जो स्टिचेस हैं लगाने हैं इसमें। और याद रखना है आपने, ये
कपड़े की सीधी साइड में लगाए जाते हैं स्टिचेस, कपड़े को उल्टा नहीं करना पड़ता है। और आपको जो लाइन है पता करने में दिक्कत हो रही है तो आप थोड़ा सा आयरन कर लें और जो लाइन है बना लें, और उसके बाद लाइन के हिसाब से आप टाँके लगाएंगे तो बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी। और इस तरह से आप सिर्फ सुई धागे की मदद से एकदम इनविजिबल स्टिचेस लगा सकते हैं, बिल्कुल भी दिखाई नहीं देंगे, बिल्कुल भी पता भी नहीं चलेगा किसी को। देखिए लगभग 1 से 1.5 इंच हो जाए सिलाई आपकी, उसके बाद आपने इसे खींचना है और बहुत ज़्यादा लंबाई तक सिलने के बाद नहीं खींचना है इसे, अदरवाइज ये ठीक से नहीं बैठ पाएंगे टांके। 1 से 1.5 इंच के बाद ही आपने इस तरीके से खींच लेना है धागे को, और ये देखिए बिल्कुल सिलाई गायब हो चुकी है, बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहे हैं स्टिचेस ऊपर की तरफ। जब भी आप ये टांके लगाएं तो सिंगल लेयर धागे का बिल्कुल भी यूज ना करें, डबल लेयर या फिर फोर लेयर धागे का ही आपने इस्तेमाल करना है इस तरह के इनविजिबल स्टिचेस लगाने के लिए। तो बस ये कंप्लीट हो गया है, यहाँ पर सेंटर में कट था, और आप इस तरह के जो कट साइड में होते हैं उनको भी इसी तरीके से स्टिच कर सकते हैं। अब मैं आपको 2 और ट्रिक्स बताने जा रही हूँ सुई धागे से रिलेटेड, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हो सकती हैं हम सबके लिए। यहाँ पर मैंने सुई में धागा डाल के रखा है, छोटा सा ही थ्रेड है और नॉट लगा दी है मैंने एक साइड में, और दूसरी साइड का जो धागा है इसमें नॉट नहीं लगाई है। और इस तरह से हम नीडल में थ्रेड डालते हैं जब हमने हेमिंग करनी है, तुरपाई करने के लिए इस तरीके से हम धागे का यूज करते हैं। तुरपाई करते वक्त एक प्रॉब्लम अक्सर आती रहती है कि धागा निकलता रहता है सुई से, और बार बार हमें धागा डालना पड़ता है सुई में, जिससे हमें काफ़ी रिटिशन होती है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये ट्रिक मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। ये देखिए धागा निकल गया है इसमें से। तो पहले धागा डालने की ट्रिक मैं बता देती हूँ आपको। इस तरीके से कॉर्नर की साइड से 2-3 लेयर धागा आपने रखना है हथेली के ऊपर, और नीडल को आपने इसके ऊपर इस तरीके से चलाना है होल वाली साइड से। और ये देखिए 1-2 एफर्ट्स में ही नीडल के अंदर जो है थ्रेड अपने आप चले जाएगा, और आप इस तरीके से इसे खींच सकते हैं। और ये देखिए सुई में धागा डालने का एक अलग और डिफरेंट सा तरीका है, जो कि हम ट्रेडिशनली यूज नहीं करते हैं। तो जिनकी भी आंखें थोड़ी सी कमज़ोर हैं वो इस तरह से इस ट्रिक को यूज करके सुई में धागा डाल सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ सिंगल लेयर धागा सुई से ना निकले उसके लिए क्या करें। आपने धागे को इस तरीके से पकड़ना है एक कॉर्नर से, लगभग 1 से 1.5 इंची की दूरी पर आप इसे पकड़ सकते हैं, और इस तरह से नीडल को धागे से निकालना है। पतले धागे में आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, मोटे धागे में बहुत आसानी से सुई को निकाला जा सकता है धागे से। ये देखिए इसके बाद आपने नीचे से धागे को इस तरीके से खींचना है, और बहुत ही बारीक सी नॉट लग जाती है इसमें अपने आप। ये देखिए धागा हो गया फिक्स, अब बिल्कुल भी नहीं निकलेगा ये धागा। और इस तरह से थोड़ा सा इसे नीचे की तरफ कर दीजिए, और अब आप अपना काम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, बार बार धागा नहीं निकलेगा सुई से। और इसमें आपको लग रहा होगा कि नॉट लगी है उससे तुरपाई करने में कोई दिक्कत आएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं पूरे धागे को यूज करके आपको बताती हूँ, और इससे मैक्सिमम धागे का आप इस्तेमाल कर पाएंगे अगर आप इस तरीके से इस ट्रिक को यूज करके तुरपाई करेंगे तो। आपने सिंगल लेयर धागे से किसी भी तरीके की स्टिचिंग करनी है तो आप इस ट्रिक को ज़रूर यूज करें, और इस तरीके से आप पूरे धागे का इस्तेमाल कर पाएंगे, सिर्फ 1 से 2 इंच धागा ही आपका वेस्ट हो पाएगा। तो आज मैंने आपको बताई 3 ट्रिक सुई धागे से रिलेटेड। पहला ट्रिक था सुई धागे से आप सिलाई मशीन जैसी स्टिचिंग कैसे कर सकते हैं, जिन्हें हम इनविजिबल स्टिचेस या फिर लैडर स्टिचेस भी कहते हैं। और उसके बाद मैंने बताया आपको सुई में धागा डालने का एक अलग डिफरेंट सा तरीका, और जिनकी आँखें थोड़ी सी वीक हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा टिप था। सो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और आप इन टिप्स का इस्तेमाल ज़रूर करेंगे।
और वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं ट्विटर, व्हाट्सएप या फेसबुक पर, ताकि उनके लिए भी ये ट्रिक्स यूजफुल हो सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे नए वीडियोज़ का अपडेट आपको मिलता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।